हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको CHS स्कूल हॉस्टल का पूरा हर चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। रूम कैसा है, जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम कैसा है, कॉमन हॉल कैसा है, आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको कितना फी लगता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं, CHS स्कूल हॉस्टल से जुड़ी सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ आपको पूरे हॉस्टल का दृश्य भी दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि मैंने पहले ही बताया, लेकिन आपको एक बार और बता देते हैं कि स्कूल हॉस्टल में टोटल 52 रूम है। 26 रूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 26 रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, और प्रत्येक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्कूल हॉस्टल का केवल हॉस्टल का जो चार्ज होता है एक साल का, वो आपको 12,000 लगता है। उसके साथ कुछ कॉशन मनी भी लगता है, साथ ही साथ 2 महीने का एक्स्ट्रा मेस फी लिया जाता है, जो कि आपको लास्ट के महीने में जब आप स्कूल हॉस्टल बंद होता है मार्च अप्रैल में, तो उस समय के लिए एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। बाकी अगर आप पहले हॉस्टल से चले जाते हैं तो उसे रिफंड कर दिया जाता है। देख सकते हैं कि आपको बता दें कि हॉस्टल के चारों कोने पर बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम सब अटैच है। चारों कोने पर, सिर्फ चार कोने पर नीचे और चार कोने पर ऊपर आपको लैट्रिन बाथरूम है, कि आप देख सकते हैं। पूरा इस वीडियो में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा, आगे भी आप देखते रहें, आपको पूरा रूम के अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। ये देखते हैं कैसे सीरियल वाइज रूम है, रूम नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरह है। और ये वाटर कूलर है और प्योरीफायर भी है, यहाँ से बच्चे आरओ का पानी यहाँ से आता है, आरओ का पानी बच्चे पीते हैं। इसमें ये प्योरीफायर भी है और वाटर कूलर भी है, साथ में कम्बाइंड है दोनों। इधर आप देख सकते हैं, ये इधर मेस है। अब आगे आपको मेस के अंदर का भी वीडियो मिलेगा, आपको अंदर का हर चीज़ दिखाएंगे। बच्चे जहाँ खाना खाते हैं अभी बंद है, आगे आपको ये सब अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे आप देखते रहें, देख सकते हैं कि यहाँ भी कोना पर जो आप देख रहे हैं सामने, इधर भी बाथरूम है। इसी तरह आपको हर कोने पर बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड मिल जाएगा। ये आपको ग्राउंड फ्लोर का सीन है और दो तरफ सीढ़ियाँ हैं। एक सामने देख सकते हो कि इधर लेफ्ट साइड था और उधर इंट्री आपको, चलिए आगे ले चलते हैं। देख सकते हैं आप जगह ग्राउंड ऊपर भी देख सकते हैं आप, फर्स्ट फ्लोर पर भी एकदम सिमिलर लग रहा है नीचे की तरह, एकदम उसी तरह है एकदम। आगे आपको ऊपर भी ले चलेंगे, देखते रहिए आप। ये गोलंबर है, आप देख सकते हैं ये इंट्री, इधर से ही हॉस्टल में इंट्री करते हैं। और ये ऊपर में आप देख रहे हैं, ये जो है ये कॉमन हॉल है। इसमें मतलब कोई फंक्शन वगैरह अगर हॉस्टल में रहता है तो उसी में होता है, या सरस्वती पूजा वगैरह जो भी हो, मीटिंग वगैरह सब उसी कॉमन हॉल में होता है। और बच्चे अगर टीवी देखना है तो उसी कॉमन हॉल में टीवी लगा हुआ है, आप कॉमन हॉल में जाकर टीवी भी देख सकते हैं। बता दें कि टीवी का देखने का समय शाम को होता है, स्कूल टाइम में आप टीवी नहीं देख सकते हैं। शाम में स्कूल के आने के बाद आप जाकर हॉस्टल में टीवी देख सकते हैं। बात करें, बहुत बच्चे पूछते हैं हॉस्टल में मोबाइल अलाउड है कि नहीं, तो आपको बता दें कि ये मोबाइल अलाउड है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से आपको फर्स्ट फ्लोर से आपका ये दृश्य है। देखिए ऊपर भी उसी तरीके से सेम नीचे है। देखिए सामने यहाँ भी बाथरूम था, हम देखें, देखिए सामने बाथरूम है। ये इधर उधर मेस का छत है, उधर जाना अलाउ नहीं है, बंद रहता है। इधर रूम वगैरह है, देख सकते हैं एकदम सेम नीचे की तरह ऊपर भी है। आगे हम आपको अब ले चलते हैं कॉमन हॉल में। तो आप देख सकते हैं टीवी लगा हुआ है कॉमन हॉल में। ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं, ये पिछले मतलब पिछले साल तो बंद था, उससे पहले जो सरस्वती पूजा था उस समय इसको सजाया गया था, तो उसका अभी तक है, मतलब देख सकते हो उसी का डेकोरेशन अभी तक है। कोई भी मीटिंग वगैरह हो, कोई भी फंक्शन हो हॉस्टल में, तो कॉमन हॉल में ही होता है। आपको अब दिखाते हैं कॉमन हॉल से बाहर का भी दृश्य, आपको दिखाते हैं कि कैसे दिखते है। देख सकते इधर से आप दिखाए थे नीचे से ना, एंट्री है जहाँ से एंट्री होता है, जैसे उसके ऊपर है कॉमन हॉल, तो ये उधर से बाहर का दृश्य है, देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही मतलब पेड़ पौधा इधर
आपको बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा हॉस्टल में, एकदम अच्छा खासा ऑक्सीजन भी एकदम, आसपास पेड़ पौधा है तो एकदम शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगा। ये जो देख रहा है घर, दिए वार्डन आवास है, इसमें ये वार्डन के रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी कोई रह नहीं रहे हैं, जब से बना है तब से, मतलब पिछले साल ही बना था। अब आपको हम ले चलेंगे मेस के अंदर जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे क्या है, आप देखिए आगे देखते रहिए। ये बेसिन वगैरह हाथ वगैरह धोने के लिए, आपको बता दें कि ना आपको यहाँ जो टेबल देख रहे हैं यहाँ पर आपको थाली रख दिया जाता है, और आप थाली ले यहाँ धोए, मतलब धोया हुआ रहता है एक बार, मतलब फिर से भी धो ले जाके आप बैठ जाएंगे और आपको खाना दे दिया जाएगा, और आपको थाली वहीं छोड़ के चलाना है, आपको अपने से खाना वगैरह नहीं धो थाली सॉरी आपको अपने से थाली वगैरह नहीं धोना होता है, बस आप यहाँ पे खाएंगे और थाली छोड़ के चले जाएंगे। बाकी मेस के जो अंदर रहते हैं वो सब यहीं देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल वगैरह है, तो वो इसी तरह है। आप आठ थाली लेकर इसे बैठ जाएंगे, आपको खुद से खाना परोस दिया जाएगा, आपको कुछ भी परेशानी वगैरह नहीं होगी, और आप जब खा लेंगे तो थाली छोड़ के चले जाएंगे, आपको थाली वगैरह कुछ भी नहीं धोना है, उसके लिए सब अंदर कर्मचारी लोग रहते हैं, वो थाली वगैरह सब धोते हैं, सब साफ़ सफाई सबके लिए अलग से कर्मचारी। और बात करें मेस फी की, तो आपको बता दें कि मेस फी ये हर महीने अलग अलग आता है, यानी कि जितना एक महीने में खर्च होता है ना उसको 104 बच्चे में बांट दिया जाता है, तो लगभग 2500 से 3000 के बीच में मेस फी आता है। और ये आप देख सकते हैं रूम का डिजाइन, आपको हॉस्टल में जितने रूम हैं सबका ऐसा ही डिज़ाइन है, एक रूम में दो बच्चे, दो टेबल, दो चेयर, दो बेड और दो कपबोर्ड देख सकते हैं, दो अलमीरा आपका रहता है इस तरह, प्रत्येक रूम मतलब हर रूम ऐसा ही है, सारे रूम का डिज़ाइन एकदम एक तरह है, सेम है सब, ऊपर नीचे सबका, सब रूम का जो डिज़ाइन है सब सेम है, देख सकते हैं। इसी तरह आप मिलेगा एक एक बच्चा को एक टेबल, एक चेयर, एक बेड और एक अलमीरा, एक पंखा रहता है, कूलर का सुविधा नहीं रहता है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।